मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। लगातार हम आपको राजस्थान ग्राम पंचायत की कवरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम खेड़ा महमूद ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहां से सरपंच पद की भावी उम्मीदवार हाजन रहमती और उसके साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का विकास करने का क्या मुद्दा रहेगा, सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार। भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहा, पूरा प्यार सम्मान और पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जनता काम देखना चाहती है सारा, मतलब स्वास्थ्य का, सड़क का, कार्य का, पानी का, जो जनता इसलिए समर्थन दे रही है कि काम करने वाला जो जिसमें क्षमता हो उसको हम अपना उम्मीद सरपंच बनाए। तो जब जनता के बीच में जा रहे, कुछ सवाल कुछ समस्याएं निकल के आ रही है, तो लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, पानी की है और सड़क की है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, जो उसको पूरी करेंगे। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, पिछले 5 साल में विकास हुआ? 5 साल में विकास चक्कर क्या, पिछली बार तो एसटी की सीट थी जी, जी। उससे पहले हम सरपंच थे जी। तो कार्य तो हुए हैं, बहुत सारे कार्य हुए, पानी के भी हुए हैं, सड़क की भी हुई थी, बहुत कार्य हुए। तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे, अगर जनता आपको चुन लेती है, आप पे विश्वास जता देती है? मुद्दे क्या, सबको भाई को बराबर लेके चलना है जी, और सारे जो भी भाई काम की जो जरूरत होंगी उनकी पूरी करेंगे सबकी। तो सर ये बताएं, जिस तरीके से आपके ग्राम पंचायत में लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, कितने गांव लगते हैं आपके ग्राम पंचायत में, कितनी वोटें हैं? हमारे इसमें 6 गांव हैं और 3500 वोटें हैं। तो कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में? इसमें 9 कैंडिडेट है फिलहाल। अच्छा, 9 कैंडिडेट है। हाँ। अच्छा, आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा कैमरा है। कैमरा चुनाव निशान जी। और जिस कैमरे से हम अभी शूट कर रहे हैं, ये आपका कैमरा चुनाव निशान है। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे डीटी न्यूज के हवाले से, कैसे नुमाइंदे को चुने, कैसे नेता को चुने? जनता जो जनता के बीच में आए और खुल के काम कराए, जनता उसको चुने और जो जनता के साथ चले, जनता की बात माने जी, ऐसे उम्मीदवार को चुने जनता। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये लगातार प्रचार प्रसार करें, शकील खान साहब जाते हैं हाजर रहमती के और लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग हमारे साथ जुटे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं इस बार? विकास पे देना चाहते हैं। अच्छा, विकास पे वोट देना चाहते हैं। हाँ जी। तो पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ, कुछ हुआ? नहीं, जो काम मिलता है वो कर हो ही रहे हैं काम, तो विकास हुआ, सड़कें भी बनी, अब ये नई सड़क बनी है। इस बार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, कैसा चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो बढ़िया ही है। अच्छा, विकास कराएंगे अगर इस्माइल अगर चुनती है जनता? हाँ, करवाएंगे ना। देखिए साहब, करवाया था जी जी, पहले भी करवाया था, अब भी करवाएंगे। देखिए साहब, पहले भी विकास कराया और भी हमारे साथ जी, इस बार वोट किसको करने वाले हैं? जो बढ़िया काम करेगा। बढ़िया काम कौन करेगा, कौन करेगा बढ़िया काम, कौन से नेता को इस बार वोट देना चाहते हैं आप? इनको ही वोट देने, इनको ही देने की इरादा है हमारा, एक इनको ही वोट देंगे, जो काम पहले इनने बढ़िया करवाया है तो इस साल भी बढ़िया करवाएंगे जी। देखिए साहब, इन लोगों का कहना है कि जो पिछले 5 साल में जो विकास कार्य कराए थे उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और शकील खान हमारे साथ मौजूद थे, ये लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैंने जितना पिछले 5 साल में विकास कार्य कराया उन सबको आगे रखते हुए और जनता वोट दे रही है और आगे आने वाले वक्त में जनता फिर से विश्वास जताएगी और फिर से यहाँ खेड़ा महमूद ग्राम पंचायत के सत्ता की चाबी मुझे सौंपेगी और लगातार हम आपको डेवलपमेंट करते नजर आएंगे आगे भी। ऐसा मानना है शकील खान का कि सबका समान विकास होगा, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, सभी समाज को साथ लेकर के चलेंगे, ऐसा मानना है। मैं आपको लगातार डीटी न्यूज़ के हवाले से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।